आईटीआर टी टू हम तभी फाइल करते हैं जब कभी भी हमारी सैलरी के अलावा भी इनकम होती है वो इनकम या तो स्टॉक मार्केट से होगी या आपने म्यूचुअल फंड्स के ट्रांजैक्शंस किए होंगे जिससे आपको कैपिटल गेन्स हुए होंगे इनफैक्ट अगर आपने क्रिप्टो में भी ट्रांजैक्शंस किए हैं तो उनके गेन्स एंड लॉसेस को यूज करने के लिए आपको आई टी फाइल करना होता है इस वीडियो में हम स्टेप बाई स्टेप प्रोसेस में समझेंगे कि, कि किस तरीके से आसानी से आप खुद से आई टी फाइल कर सकते हैं इसके अलावा आई टी खुद से

क्स पेयर के लिए है जो कि ओल्ड टैक्स जी में फॉलो कर रहे हैं अगर आप न्यू टैक्स में फॉलो कर रहे हैं तो उस केस में भी आप इस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टेप सेम ही है तो चलिए शुरू करते हैं। फाइलिंग करने के लिए, सबसे पहले तो आपको आई आपको आई की वेबसाइट पर जाना होता है जिसका नाम है इनकम जब आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा पेज खुल जाएगा वहां पे लॉग इन पे क्लिक करना होगा जब आप लॉग इन पे क्लिक कर लेंगे तो वहां पर आपको पैन कार्ड नंबर देना होगा और साथ में आपको अपना पासवर्ड देना होगा इसके अलावा अगर अगर आपने जनरेट ओ का ऑप्शन एनेबल कर रखा है तो वहाँ पर आप आपका ओ आपके आधार लिंक फोन नंबर पे आ जाएगा वो जैसे ही आप वैलिडेट करेंगे आप आई की वेबसाइट पे लॉगिन कर चुके होंगे तो लॉगिन करने के बाद पेज कुछ ऐसे दिखता है आई टी फाइलिंग का प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले फाइल नाउ पे क्लिक करेंगे उसके बाद में यहाँ पर अपना असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करेंगे जो भी फाइनेंशियल ईयर होता है उसके नेक्स्ट ईयर वाला जो ईयर होता है उसको बोलते हैं असेसमेंट ईयर हमारे केस में फाइनेंशियल ईयर 23-24 है इसी वजह से असेसमेंट ईयर 24-25 होगा तो हम उसको क्विकली सेलेक्ट कर लेंगे और ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे अब यहाँ पर स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है इंडिविजुअल पे सेलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर आई टी आपको सेलेक्ट करना होगा प्रोसीड विद आई टी लेट्स गेट स्टार्टेड यहाँ पर आप अदर सेलेक्ट कंटिन्यू कर लीजिए आईडी टू फाइल करने टाइम में हमें मल्टीपल शेड्यूल्स फाइल करने होते हैं जब आप इस पेज पर आए तो यहां पर एज इट इज इसको रहने दे और उसके बाद इनकम पे क्लिक करेंगे और शेड्यूल सैलरी पे क्लिक करेंगे इसके अलावा अगर आपको हाउस प्रॉपर्टी से भी कोई इनकम होने वाली है तो उस केस में भी आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं आइडिया टू भरने का मेन ऑब्जेक्टिव ही यही होता है कि हमें कैपिटल गेंस से इनकम हुई है तो उसको हमें शो करना है तो यहाँ पर शेड्यूल कैपिटल गेंस पे जरूर से क्लिक कर दें अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस हुए हैं तो उस केस में शेड्यूल हंड्रेड ए आएगा साथ ही साथ अगर आपको अदर सोर्सेज ऑफ इनकम हुई है उसको भी सिलेक्ट कर दीजिए या आपको क्रिप्टो से इनकम हुई है तो उस केस में आपको वीडियो पे सेलेक्ट करना होगा यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक नहीं करना है उसके बाद में हमें इनकम पे जाना है तो मैं सेकंड स्लाइड पे जाती हूँ अब हम डिडक्शन्स पे क्लिक करें अब ये भी समझना बहुत जरूरी है कि क्या आप फाइलिंग ओल्ड टैक्स जिमे में कर रहे हैं या न्यू टैक्स जिमे में कर रहे हैं देखिए अगर आप न्यू टैक्स जिमे में फाइलिंग कर रहे हैं तो वो तो बहुत ही सिंप्लीफाइड है वहां पर आपको बहुत ही लिमिटेड एग्जाम्शन मिलते हैं जैसे कि ए का एग्जाम्शन मिल जाता है उसके अलावा नाके बराबर मिलते हैं ओल्ड टैक्स जी में अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो यहाँ पर मेक श्योर sure करें कि चैप्टर सिक्स ए को आप सेलेक्ट कर ले तभी आप ओल्ड टैक्स जी में, में ITIR फाइलिंग कर सकते हैं यहां पर हमने स्केड्यूल्ड डिडक्शन अंडर चैप्टर सिक्स ए सेलेक्ट कर लिया है अब हम टैक्स वाले सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पर हमें कुछ भी एडिशनल सेलेक्ट नहीं करना है एज इट इज इसको रहने देना है इसके अलावा हम अदर्स के सेक्शन में जाएंगे यहाँ पर भी हमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस आएंगे उसको स्किप ऑल कर दीजिएगा अब हमारे पास शेड्यूल समरी आ गई है जहाँ पर हमें स्टेप बाय स्टेप चीज़ें फिल आउट करनी होगी सबसे पहले आ जाता है जनरल इन्फॉर्मेशन जिसमें आपकी पर्सनल डिटेल्स होंगी यहाँ पर कुछ भी एडिट करना है तो वो आप कर सकते हैं अब फाइलिंग स्टेटस पे जाएंगे क्योंकि हम ड्यू डेट से पहले फाइल कर रहे हैं तो इस वजह से वन वन को हमें सेलेक्ट करना है और अब सबसे मेन ऑप्शन आ जाता है ओल्ड टैक्स जी में और न्यू टैक्स जी में सेलेक्ट करने का इस फाइनेंशियल ईयर से न्यू टैक्स जी में डिफॉल्ट जी में हो गया इसका मतलब है अगर आप इस ऑप्शन को चेंज नहीं करते हैं तो आपकी फाइलिंग न्यू टैक्स जी में के अंडर में ही होगी तो यहाँ पर ऑलरेडी uh, नो no का सेक्शन सेलेक्टेड uh, है कि डू यू वॉन्ट टू ऑप्ट आउट ऑफ न्यू टैक्स में हम ये फाइलिंग ओल्ड टैक्स जिमे में कर रहे हैं इस वजह से हम इसको येस yes कर देंगे अगर आप न्यू टैक्स जिमे में कर रहे हो तो uh, यहाँ पर नो no कर दीजिएगा uh, इसके बाद का प्रोसेस सिमिलर ही है न्यू टैक्स जीवे में क्योंकि एग्जामिशन डिडक्शन नहीं मिलते हैं तो वो एरिया ऑलरेडी ग्रे आउट होता है तो वो आप फिल आउट कर ही नहीं सकते हैं अगर आप न्यू टैक्स जीवे में आई टी आर फाइल कर रहे हैं तब भी आप इस वीडियो को फॉलो करके स्टेप बाई स्टेप समझ सकते हैं कि किस तरीके से आप अपनी आई टी की फाइलिंग कर सकते हैं अब मैंने यहाँ पर येस को सिलेक्ट कर दिया है क्योंकि मैं यहाँ पे ऑप्ट आउट कर रही हूँ रेसिडेंशियल स्टेटस के केस में अगर आप रेसिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है जो भी हैं उस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए जो फर्स्ट ऑप्शन है उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए जहाँ पर बोल रहा है वन एटी टू डेज यहाँ पे सारे ऑप्शंस को नो no रखेंगे सेव करेंगे और कंफर्म पे क्लिक कर देंगे तो हमारी जो फर्स्ट जो हमारा जनरल इंफॉर्मेशन का टैब है वो हमारा कंफर्म हो चुका है अब हम जाएंगे अपनी शेड्यूल सैलरी को फिलआउट करने के लिए अगर आपको फॉर्म सिक्सटीन मिल चुका है तो वहाँ से भी ऑटो पॉपुलेटेड डेटा यहाँ पर आ जाएगा आपकी जो भी इम्प्लॉयर की डिटेल्स है वो सारी डिटेल्स आ जाएगी आपकी जो भी ग्रॉस सैलरी है वो सारी डिटेल्स यहाँ पर आ जाएगी इन केस अगर आपको वो सैलरी नहीं दिखती है वो डिटेल्स नहीं दिखते हैं तो उनको आप मैनुअली भी फिल आउट कर सकते हैं तो यहाँ पर अगर आपने मोर देन वन एम्प्लॉयर के साथ में काम किया है मतलब एक से ज़्यादा कंपनीज में काम किया है इन वन फाइनेंशियल ईयर तो आप यहाँ पर एड अनदर क्लिक करके उस कंपनी की डिटेल्स एड कर सकते हैं तो यहाँ पर हम अपने सैलरी के ब्रेकअप डिटेल्स

आपके एंटर कर सकते हैं या मंथली जो भी सैलरी मिल रही है उसको ट्वेल्थ से क्रॉस करके वो आप पूरा अमाउंट यहाँ पर एंटर कर सकते हैं इनका जो फॉर्म सिक्सटीन है उसमें स्ट्रेट अवे पूरी सैलरी दे रखी है कोई भी ब्रेकअप नहीं दे रखा है इसलिए हम वो पूरे अमाउंट को उठाकर बेसिक सैलरी की कैटेगरी में डाल देंगे उसके बाद हमें ये सारी डिटेल्स हम स्किप कर सकते हैं और नीचे सेव पे क्लिक कर सकते हैं सेव पर क्लिक कर चुके हैं लेट्स गो डाउन तो हमारी सैलरी डिटेल्स आ गई है और यहाँ पर देखिए डिडक्शंस की अगर बात करें तो ओल्ड टैक्स जीमे में और न्यू टैक्स जीमे दोनों में ही हमें स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ फिफ्टी थाउजेंड मिलता है ओल्ड टैक्स जीमे में हमें ट्वेंटी फाइव हंड्रेड डिडक्शन मिलता है फॉर प्रोफेशनल टैक्स ऑल्सो इसलिए वो अमाउंट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो गया है टोटल डिडक्शन दिखा रहा है फिफ्टी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड रुपीज़ यहाँ पर अब आप आपकी टैक्सेबल इनकम आ चुकी है और अगर आपके कोई भी अलाउंसेस है तो यहां पर आप ऐड कर सकते हैं उसके लिए सिंपली आपको उस ब्लॉक पे क्लिक करना है और एडिट पे जाकर अमाउंट को एंटर कर देना है इसके अलावा अगर आपके कोई भी अदर एग्जेप्ट अलाउंसेस हैं तो आप उनको यहां पर डाल सकते हैं और उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप उनकी वैल्यू कर सकते हैं उसमें कौन कौन से अलाउंसेस आ सकते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर लीव ट्रैवल अलाउंस आपकी कंपनी देती है अगर आप उसको एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो वो अमाउंट यहाँ पर डाल सकते हैं इसके अलावा लीव इनकैशमेंट हुई है तो वो अमाउंट आप यहां पर डाल सकते हैं तो जितना उिमंड अमाउंट आपको मिला है वो अमाउंट उसके अः में आप एंटर कर करके उसको सेव कर दीजिएगा तो यहाँ पर हमारी शेड्यूल सैलरी कंफर्म हो चुकी है सीजी में आपको अपने कैपिटल गेन से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स को मैंशन करना होता है आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस हुए हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस हुए हैं वो सारी डिटेल्स यहाँ पर आपको मेंटेन करनी होगी uh, इसके लिए आपके पास कैपिटल गेन स्टेटमेंट होना चाहिए जो कि आप अपने ब्रोकर से मांग सकते हैं और उसमें आजकल सारी डिटेल्स लिखी होती है जो भी डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल करनी है तो हम स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं कि इसे कैसे फिल आउट करना है अब यहाँ पर देखिए प्लीज सेलेक्ट टाइप ऑफ कैपिटल एसेट बाई यू इनकेस अगर आपने शेयर्स को विद इन ट्वेल्व मंथ्स सेल कर दिया तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस की कैटेगरी में आ जाता है क्योंकि वहाँ से जो भी जो भी गेंद होते हैं उस पर आपको एस पे करना होता है और वो आता है अंडर सेक्शन वन 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 ए और अगर आपने एक साल के बाद में उन शेयर्स को सेल uh, किया है तो वो हंड्रेड एंड ट्वेल्व ए केस में आ जाता है और उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस लगते हैं इसके अलावा अगर आपको बॉन्ड्स या डिबेंचर से कोई इनकम हुई है इसके अलावा और कोई भी इनकम इसमें से वन ऑफ द कैटेगरीज में हुई है तो आप उन्हें सेलेक्ट कर सकते हैं और ये, ये सिलेक्ट करने के बाद में आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है तो अब हम आ चुके हैं शेड्यूल कैपिटल गेन्स पे और यहाँ पर अब हम एक एक करके अपना शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की डिटेल्स ऐड करेंगे और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स की डिटेल्स ऐड करेंगे हमारे पास कैपिटल गेन स्टेटमेंट ऑलरेडी है तो वो डिटेल्स हम यहाँ पे फिल uh, आउट करेंगे सबसे पहले ये समझ लीजिए कि फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन का मतलब क्या है मतलब आपने वो जो शेयर्स बेचे हैं वो कितने पे बेचे मतलब सेल प्राइस क्या है उस अमाउंट को यहाँ पर एंटर करना है इसके लिए हम अपने कैपिटल स्टेटमेंट में गए हैं और वहां पर देखते हैं कि हमारा जो टोटल सेल टोटलेशन कितना है तो वो है 86, तो वो वैल्यू हमने फिल कर दी है इसके अलावा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है मतलब हमने उसे कितने अमाउंट पर खरीदा था तो वो भी डिटेल हम यहाँ पे फिलआउट कर देंगे तो वो डिटेल है हमारा एटी वन थाउजेंड थर्टीन रुपीज़ तो यहाँ पर हमारा कैपिटल गेंस कितने का बनता है फिफ्टी थ्री हंड्रेड फोर्टी सेवन रुपीज़ जिसको हमने वेरीफाई कर लिया है विच इज़ फाइन तो हमारी एस टी सी जी की डिटेल्स यहाँ पे फिल आउट हो चुकी हैं हमें कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स हुए हैं तो वो सारी डिटेल्स हम यहाँ पे फिल करेंगे और ये डिटेल्स जब हम फिलआउट करते हैं तो थोड़ा सा डिफरेंट होता है यहाँ पर इसको फिल आउट करना उसके लिए आप व्यू शेड्यूल पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर आप सी एस पी फाइल अपलोड कर सकते हैं मान लीजिए आपने मल्टीपल ट्रांजेक्शन किया है आपके पास मल्टीपल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन स्टेटमेंट्स है तो उसको आप यहाँ पर अपलोड भी कर सकते हैं फिलहाल हम ऐड डिटेल्स पे क्लिक कर रहे हैं ऐड डिटेल्स पे जाएंगे यहाँ पे यूनिट एक्वायर्ड पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखेंगे अगर आपने थर्टी फर्स्ट जनवरी टू थाउजेंड एटीन से पहले ये ट्रांजेक्शन किए हैं तो उस समय रूल डिफरेंट हुआ गया करता था अगर ये ट्रांजेक्शन उस डेट से पहले हुए हैं तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए अदरवाइज आफ्टर थर्टी फर्स्ट जनवरी टू थाउजेंड एटीन को आपको सेलेक्ट करना है उसके बाद में आपको यहाँ पर अगेन सेल प्राइस जो भी है वो आपको एंटर कर देनी है तो हमारे केस में जो सेल प्राइस है वो लगभग है वन लैक एटीन थाउजेंड के अप्रॉक्सीमेटली तो वो अमाउंट को हम फुल वैल्यू ऑफ कंसड्रेशन के अंडर में डाल देंगे और इसके बाद में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी है वो है सेवेंटी वन थाउजेंड फाइव थर्टी टू रुपीज़ तो वो भी हम अमाउंट यहाँ पे एंटर कर देंगे अगर आपका ब्रोकरेज हुआ है या कोई भी एक्सपेंडिचर uh, है जो कि आप uh, इस ट्रांजैक्शन के दौरान में हुआ है तो वो वैल्यू आप डाल सकते हैं वो वैल्यू आपके गेन में से माइनस हो जाएगी और जितना भी अमाउंट बचेगा उसी पर कैपिटल गेंस लगेंगे अब यहाँ पर एक और चीज़ समझने वाली बात यह है कि शॉर्ट uh, टर्म के केस में तो जो भी कैपिटल गेंस होता है वो आपके सैलरी ब्रैकेट के हिसाब से टैक्सेबल होता है लेकिन लॉन्ग टर्म के

अमाउंट आ चुका है जिसको हम कन्फर्म पे क्लिक कर देंगे अब ये करने के बाद में आपको फिर से शेड्यूल कैपिटल गेंस के ऑप्शन पे क्लिक करना है मॉडिफाई इफ रिक्वायर्ड पे क्लिक करना है उस पर वापस से जाएंगे इसे ओके okay करेंगे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे अब यहाँ पर देखिए ये पूरा अमाउंट आपका रिफ्लेक्ट हो चुका है जो भी कैपिटल गेंस हुए हैं वो सारे अमाउंट यहाँ पर दिख रहे हैं अब इसमें नीचे जाएंगे और जो ये एफ इंफॉर्मेशन अबाउट रिसिप्ट ऑफ कैपिटल गेन तो इसमें क्या होता है कि आपको अपने आपको क्वार्टरली बेसिस पे कितने गेंद हुए हैं तो ये जो भी टोटल गेंस है हर एक क्वार्टर में जितना भी गेंस हुआ है वो अमाउंट को लेकर अपने कैपिटल गेन स्टेटमेंट से उस अमाउंट को यहां पर आपको एंटर करना होगा और एंटर करने के बाद में आपको कन्फर्म पे क्लिक कर देना है अब हाँ आ जाते हैं हम शेड्यूल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस उस पर हम क्लिक करेंगे अब यहाँ पर आपको कोई भी फिक्स uh, डिपॉजिट के इंटरेस्ट से इनकम हो रहा है या आपको सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट से इनकम हो रहा है ऐसा कोई भी इंटरेस्ट इनकम है तो वो आपको यहाँ पे फिल करनी होती है फिलहाल हमारी ये सारी डिटेल्स ऑटो फिल्ड है तो वो आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर आपके केस में वो नहीं है तो आप इनफैक्ट अपने ए आई एस डॉक्यूमेंट से जाकर भी वो डिटेल्स को वेरीफाई कर सकते हैं और उनको यहाँ पर फिल आउट कर सकते हैं आप नीचे जाएंगे और देखेंगे कि क्या कुछ कुछ भी एप्लीकेबल है जहाँ पे हमें फिल आउट करना है अगर आपकी कोई भी अदर इनकम है जैसे कि अगर आप गेमिंग एप्स यूज करते हैं या बेटिंग करते हैं तो उस केस या लॉटरी में इन्वेस्ट करते हैं उससे आपको कोई गेन हो रहा है तो उसको आप इनकम चार्जेबल एट स्पेशल रेट्स के सेक्शन में जाकर कर कर सकते हैं, दीजिए, उस 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 पे पे आपको further taxes pay करने होंगे। इसके अलावा अगर income from the activity of owning and maintaining है, तो केस में भी उस income को यहां पे आप एड कर सकते हैं अब देखिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज अगर आपको कोई भी डिविडेंड इनकम हुआ है तो उस इनकम को यहाँ पर आप क्वार्टरली वाइज ऐड कर सकते हैं और उसके बाद में आपको पे क्लिक कर देना अब आते हैं, CYLA, यहाँ पर भी आपको कुछ भी नहीं करना है क्रिप्टो तो जो भी इनकम हुई है वो सारी डिटेल्स यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी और उसके बाद में आपको सिंपली कंफर्म पे क्लिक कर देना इसके अलावा अगर आपको इन प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर कुछ भी कैपिटल लॉसेस हुए थे तो वो भी आप यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं ताकि वो आपके कैपिटल गेन से ऑफसेट हो जाए अगर आपने लास्ट फाइनेंशियल ईयर में उन कैपिटल लॉसेस को शो किया है तो उस केस में आप उनको यूटिलाइज कर सकते हैं टू ऑफसेट अगेंस्ट कैपिटल गेंस इसका मतलब ये होता है कि लेस से आपको लास्ट ईयर फाइव फिफ्टी थाउजेंड का कैपिटल लॉस हुआ इस साल फिफ्टी थाउजेंड का कैपिटल गेन हुआ तो आप क्योंकि आपको लास्ट ईयर में लॉस हुआ था तो इस बार आप गेन पर टैक्सेस पे करने से बच जाएंगे क्योंकि आप इन दोनों को ऑफसेट कर देंगे तो आपको यहाँ पर जीरो गेन्स हो जाएंगे इन टू ईयर्स और उस पे आपको कोई टैक्सेस पे नहीं करने पड़ेंगे तो ये एक एडवांटेज मिल जाता है कैपिटल गेंस केस में अब इसके बाद में आपको नेक्स्ट सेक्शन को फिर से कंफर्म करना है इस पे भी कुछ मत कीजिएगा इसको सिंपली कंफर्म कर दीजिए अब यहां पे शेड्यूल स्पेशल इनकम पे क्लिक कीजिए यहां पर भी आपको कुछ नहीं करना है जस्ट वेरीफ़ाई कीजिए डिटेल्स और गो डाउन करके कंफर्म पे क्लिक कर दें आप शेड्यूल सिक्स ए के अंडर में आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं आप ओल्ड टैक्स जिम्मे में तो हमें मल्टीपल डिडक्शन्स मिल जाते हैं तो इनके केस में इन्होंने ए में डेढ़ लाख रुपए पूरे इन्वेस्ट कर रखे तो वो अमाउंट ऑलरेडी ऑटो पॉपुलेट हो गया है इसके अलावा वो एन में भी इन्वेस्ट करते हैं तो ए टी सी के अंडर में उन्हें भी फिफ्टी का एडिशनल डिडक्शन मिल जाता है तो वो भी अमाउंट यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गया है और इसके अलावा अगर आपके कोई भी अंडर सेक्शन ए कोई भी डिडक्शन है तो उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके कॉस्पॉन्डिंग अमाउंट एंटर कर सकते हैं इसके अलावा में आपको कुछ नहीं करना है जस्ट कंफर्म पे क्लिक कर देना है अब यहाँ पर शेड्यूल ए के अंडर में कन्फर्म कीजिए यहां पर भी स्ट्रेट अवे कन्फर्म कर दीजिए अब शेड्यूल ए पे जाएंगे उसे भी आप कन्फर्म करेंगे कंपिटिशन ऑफ टोटल इनकम पे जाते हैं यहाँ पर आप ये पूरी डिटेल्स वेरीफाई कर लीजिए और इसे कन्फर्म पे क्लिक कर दीजिए टैक्सेस पेड अब देखते हैं कि इन्होंने कितने टैक्सेस ऑलरेडी पे कर लिए हैं तो इन्होंने ऑलरेडी ट्वेंटी एट थाउजेंड अमाउंट का टैक्सेस पे कर रखा है तो इसे भी हम कंफर्म कर चुके हैं अब देखते हैं लास्ट सेक्शन पे जाएंगे प्रोसीड टू वेरिफिकेशन यहाँ पर आप अपनी डिटेल्स को वेरीफाई कर लें और प्रोसीड टू प्रिव्यू पे क्लिक करें ये सारी डिटेल्स आप वेरीफाई कर सकते हैं और प्रोसीड टू वैलिडेशन पे आपको क्लिक करना है वैलिडेशन सक्सेसफुल हो चुका है प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करें अगर आपके कोई भी टैक्सेस पेंडिंग है तो आप उसे पे कर सकते हैं और अपने हिसाब से कोई भी पेमेंट मेथड को सिलेक्ट कर सकते हैं वो करने के बाद में आपको सिंपली ई वेरीफाई करना होता है और वो करने के बाद में आपका आईडिया डन हो जाएगा तो ये सारी स्टेप्स थी थीट से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप वो कमेंट बॉक्स में डालकर मुझसे पूछ सकते हैं मैं कोशिश करूंगी उनका आंसर करने का इसके अलावा अगर आपके कोई भी सुझाव हो तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं आशा करती हूँ अगर वीडियो हेल्पफुल लगा है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन भी आती रहेंगी मैं मिलती हूं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में प्रिया दास साइनिंग ऑफ अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ली क्योंकि मैं पर्सनल फाइनेंस पे एवरी वीक टू वीडियोस बनाती हूं अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मेरे नए वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आती रहेगी